चौथे दिन टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने वेस्टइंडीज ने टेके घुटने, जीत हुई पक्की। मैच के आखिरी दिन रोहित सेना को जीतने के लिए अब करना होगा ऐसा काम। टेस्ट के आखिरी दिन आधे घंटे में टीम इंडिया वेस्टइंडीज को चटाई की धूल। भारत ने वेस्टइंडीज में लगातार 9वीं टेस्ट सीरीज जीतने की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है। सीरीज के पहले मैच में आसानी से जीत दर्ज करने वाली टीम इंडिया को दूसरे टेस्ट में मेजबान विंडीज टीम आखिरी दिन तक खींचने में सफल रही। मैच के चौथे दिन भारत से मिले 365 रनों के लक्ष्य के जवाब में विंडीज टीम ने खेल खत्म होने तक 2 विकेट गंवाकर 76 रन बनाए, यानी मैच के आखिरी दिन अब भारत को 8 विकेट हासिल करने होंगे। मैच के तीसरे दिन की तरह ही चौथे दिन भी बारिश के कारण समय का काफी नुकसान हुआ। इसने टीम इंडिया से कई ओवर भी छीन लिए, जिसमें वो अपनी पारी जल्दी निपटाकर वेस्टइंडीज के कुछ और विकेट हासिल कर सकती थी। फिर भी भारत ने वेस्टइंडीज की पहली पारी को निपटाकर खुद अपनी दूसरी बार बैटिंग कर पारी घोषित करने में सफलता हासिल की। बारिश के कारण तीसरे दिन हुए नुकसान की भरपाई के लिए चौथे दिन की शुरुआत आधे घंटे पहले हुई थी। टीम इंडिया ने इसका फायदा भी उठाया और सिर्फ 55 मिनट के अंदर वेस्टइंडीज की बचे हुए 5 विकेट हासिल कर लिए। दिन के पहले 2 ओवरों में ही मुकेश कुमार और मोहम्मद सिराज ने सफलता हासिल की। सिराज ने नई गेंद से स्विंग का बेहतरीन इस्तेमाल किया और 5 में से 4 विकेट अपने नाम किए। इस सीरीज में सिराज ने कुल 5 विकेट हासिल किए, जो उनके करियर में सिर्फ दूसरी बार हुआ है। भारत ने वेस्टइंडीज को 255 रन पर ढेर करते हुए 183 रनों की विशाल बढ़त हासिल की थी। इसके बाद टीम इंडिया जब अपनी दूसरी पारी में उतरी तो पहले ओवर से ही तेवर साफ थी। कम से कम ओवर खेलकर ज्यादा से ज्यादा रन बनाना, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने धुआंधार बल्लेबाजी की। रोहित ने तो 35 गेंदों में अर्धशतक जमा दिया। भारत ने सिर्फ 12.2 ओवरों में 100 रन पूरे किए, जो टेस्ट क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड है। हालांकि इन सबके बीच बारिश के कारण 2 बार खेल में रुकावट हुई। तीसरे सेशन का खेल जब शुरू हुआ तो चौथे नंबर पर प्रमोट किए गए ईशान किशन ने ओपनर की तरह बल्लेबाजी की। ईशान ने शुभमन के साथ मिलकर टीम को सिर्फ 24 ओवरों में 2 विकेट पर 181 रनों तक पहुंचा दिया, जहां भारत ने अपनी पारी घोषित कर दी। ईशान ने सिर्फ 33 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक जमा दिया। पहली पारी में जरूरत से ज्यादा डिफेंसिव बल्लेबाजी करने वाली विंडीज टीम ने दूसरी पारी में थोड़ा बेहतर शुरुआत की। कप्तान क्रेग ब्रैथवेट ने रनों की रफ्तार को खींचा, लेकिन दूसरी ओर से तेज नारायण चंद्रपाल रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखे। फिर भी भारत को पहले विकेट के लिए 18वें ओवर का इंतजार करना पड़ा। अश्विन ने ब्रैथवेट को इस मैच में दूसरी बार अपना शिकार बनाया। अश्विन ने अगले ही ओवर में कर्क मैकेंजी को खाता खोले बिना ही LBW आउट कर दिया। सिर्फ 44 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद लगा कि वेस्टइंडीज टीम बिखर जाएगी, लेकिन चंद्रपाल और जर्मेन ब्लैकवुड ने जुझारू बल्लेबाजी की। दोनों ने 12 ओवरों में 32 रनों की नवा साझेदारी कर डाली और टीम को 76 रनों तक पहुंचाकर आखिरी दिन करिश्मे की उम्मीद जगा दी। अब भारत को आखिरी दिन जीत के लिए सिर्फ 8 विकेट की दरकार है। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मैच से जुड़ी पल पल की अपडेट्स के लिए अभी हेडलाइंस स्पोर्ट्स को फॉलो कीजिए।